बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रेशर और एरिया के ऊपर। यहाँ पूछा गया है अब्रिक यानी गुम्मा दीवार जिससे बनती है, अब्रिक हैविंग डायमेंशंस 18 लेंथ, तो ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई, ठीक है, जो जो सबसे ज़्यादा होता है वो लेंथ होती है। इस प्लेस्ड इन थ्री डिफरेंट पोजिशन, इनको इस तरह से रखा गया अलग अलग पोजिशन में, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर एज शोन इन द फिगर, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, 1 2 3, 1 2 3, तीन केस है, प्रेशर एग्जर्टेड बाई ब्रिक इज़ मैक्सिमम, कि गुम्मा जो है ज़मीन पर सबसे ज़्यादा प्रेशर किस कंडीशन में लगाएगा, और उसका आंसर एक्सप्लेन करिए। तो आपको पता है जब गुम्मा ये सीधा सीधा लेटा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मान लिया गुम्मा है, ठीक है, अगर ये यूँ रखा है ज़मीन पे, यूँ रखा है, तो ये ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है ना, मतलब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही है, ये 18 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई है ना, और ये 9 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ या हाइट समझ लीजिए, ठीक है, तो ये ब्रेथ हो गई ये है ना, और हाइट देखिए 31 ही है ना, हाइट देखिए 31 ही है ना। जब हम ऐसे रखे हैं तो ये ज़मीन पे इतना एरिया कवर कर रहा है, अगर हम इसको ऐसे रख दें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगला क्वेश्चन है ना 9 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इसको रख दें, ऐसे हो गया, ठीक है, ये मतलब खड़ा रहा है, फिर ऐसे रख दें, तो तीनों केस में सबसे ज़्यादा एरिया कैसे कवर हो रहा है, ठीक है। तब अब आप समझिएगा इसको कि हमें फार्मूला एक पता होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या फार्मूला होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका मतलब है प्रेशर और एरिया ये दोनों देखिए एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या होता है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, हमने लिखा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये होता है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो ये एरिया है ना फोर्स पर यूनिट एरिया, ये फोर्स होता है ये एरिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा ज़मीन पर, अगर ज़्यादा एरिया कवर करेगा तो प्रेशर कम लगेगा, दबाव कम लगेगा, और एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। अब जैसे ये पेंसिल ही देख लीजिए है ना, अगर हम पुट योर हैंड्स ये हैंड ये, अब जैसे ये बच्चे का हाथ है ना, इसके ऊपर अगर हम ये एरिया देखिए कम है, महीन है, एरिया कम है, कोई गड़े रहे तो ज़्यादा इनके दर्द होगी, ठीक है, तो एरिया देखिए कम है, एरिया कम है तो इनको प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, बहुत दर्द हो रही है ना, अगर हम उल्टी पेंसिल करके लगाएं, ठीक है, देखिए एरिया ज़्यादा है थोड़ा पेंसिल का, दबा रहे हैं उतना ही ताकत लगा रहे हैं, लेकिन इनको कम दर्द हो रही है, प्रेशर कम लग रहा है, तो समझ में, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रेशर एग्जर्टेड बाय ब्रिक इज मैक्सिमम, किस केस में प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, तो जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा, तो देखिए सबसे कम ज़मीन पे एरिया ऐसे हो रहा है क्योंकि ये पाइप है, ये नो है, ये खड़ा है, तो सबसे कम एरिया ज़मीन पे ये कवर कर रहा है ना, ऐसे मोबाइल को अगर हम ऐसे रख दें तो ज़मीन को ज़्यादा दर्द होगा, अगर ज़मीन इंसान होती, ठीक है, ठीक है, हमने ऐसे रखा तो इसमें ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हम लिखेंगे मैक्सिमम इस केस में, और ये यही बात लिख देंगे, ठीक है, अपने शब्दों में, ठीक है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस में भाई क्या दिख रहा है हमें, 18 सेंटीमीटर ऐसे भी है, मोबाइल ऐसे रखा है ना, और ये 5 सेंटीमीटर है ना, और ये 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा, अगर हम इसको देखें तो ये ऐसे है ना 9 सेंटीमीटर, हाँ ये ऐसे हो गया, खड़ा हो गया। अब इस केस में क्या है, अब बताइए ज़्यादा एरिया क्या कवर हो रहा है, कैसे कवर हो रहा है, 18 सेंटीमीटर ये भी है ना, 18 सेंटीमीटर जब ऐसे रखा है लेटा हुआ है तो ऐसे भी 18 सेंटीमीटर का, ऐसे भी 18 18, दोनों केस में, लेकिन इस केस में क्या है, ये 9 ज़्यादा फ्लैट है, यानी कि ये जो चीज़ है ये ज़्यादा जमीन जगह घेर रही है ना, ये है ना, तो इस ये ज़्यादा एरिया था, यानी कि ज़मीन पे कवर कर रहा है, ये ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो जब एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है तो प्रेशर सबसे कम होगा, और ये एरिया कितना कवर कर रहा है, जब हम ऐसे करे दे रहे हैं इसको, ज़मीन पे खाली 5 सेंटीमीटर का एरिया आ रहा है, बाकी 9 सेंटीमीटर हवा में है, ये एरिया हवा में है और ये तो ज़मीन पर ही है, तो ये खाली इतना टच में आ रहा है ज़मीन के ना, इतना एरिया, इस केस में क्या हुआ, तो एरिया यहाँ कम हो रहा है, ये दूसरे नंबर पे हो गया, और ये सबसे लास्ट वाला तीसरे नंबर पे है ना, सबसे ज़्यादा भाई फ्लैट लैंड पे 9 सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा है, तो ये पूरा ज़मीन पे आ रहा है यूँ करके, ठीक है, तो ये सबसे कम, सबसे ज़्यादा एरिया ये घेर रहा है, सबसे कम प्रेशर इसका है, और सबसे कम एरिया ये घेर रहा है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर इसका है, ठीक है, क्लियर हो गई बात, तो इसको ऐसे ही समझना है, यही बात, ये बात याद रखनी है, जैसे बैग का पट्टा, बैग टांगते हैं, अगर बैग भारी है
बैग भारी, किताबें उतनी रखी, लेकिन पट्टा जो है उसका अगर पतला होगा तो बहुत गड़ेगा कंधे पे, लेकिन पट्टा अगर मोटा कर देंगे तो कम गड़ेगा। तो प्रेशर जो पट्टा मोटा है तो एरिया बढ़ा है तो प्रेशर कम लग रहा है, पट्टा पतला है तो एरिया जो है कम है तो प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। बाल्टी जब भरी उठाते हैं हम, अगर कुंडा पतला है तो बहुत गड़ेगा, एरिया कम कवर कर रहा है तो प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। कुंडा अगर मोटा कर दें, बहुत मोटा कुंडा कर दें तो एरिया ज़्यादा कवर होगा, प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है।